नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी है कि अब उन्हें मृत्यु दंड दी जाएगी और ये मृत्यु इंजेक्शन के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें निर्भया कांड जो 2012 में काफ़ी चर्चित रहा था, उसके आरोपियों के जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये बहुत दुखद खबर है कि शबनम को फांसी दी जा रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये सजा नहीं सुनानी चाहिए कि दोषियों को अगर सबक सिखाना है तो उन्हें फांसी नहीं बल्कि उन्हें आजीवन कारावास देना चाहिए, जिससे उन्हें अपने दोष का पता चले। आपको हम बताते हैं कि और क्या कुछ कह रहे हैं वकील एपी सिंह। शबनम की फांसी को लेकर डेथ वारंट भी जारी हो चुका है। ऐसे में 2012 के निर्भया केस की यह फांसी भी चर्चा में आ चुकी है। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को पिछले साल 20 मार्च की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। शबनम की फांसी को लेकर निर्भया के चारों दोषियों के वकील एपी सिंह का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि शबनम और सलीम प्रकरण में फांसी देने की बात चल रही है। आजादी के बाद देश में पहली बार महिला को फांसी दी जा रही है, यह दुखद है। फांसी किसी समस्या का इलाज नहीं है, पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, दोषी को मनोदशा का खत्म कराना चाहते हैं तो उसमें सुधार लाइए, जेल को सुधार गृह रखिए, फांसी घर मत बनाइए। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 100 से अधिक देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है। बता दें कि जेल में जन्मे सलीम और शबनम के बेटे मोहम्मद ताज ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई है। बेटे ताज ने दया याचिका में लिखा है, राष्ट्रपति अंकल जी मेरी माँ को माफ कर दो। इस पर निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि इसमें शबनम के बच्चे ताज का क्या कसूर है, उनका तो एक ही सहारा उनकी माँ है। एपी सिंह का कहना है कि जब सलीम और शबनम को फांसी हो जाएगी तो वह बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील एपी सिंह ने निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की अंतिम समय तक कोशिश की थी। 20 मार्च की सुबह 5:30 पर चारों दोषियों को फांसी से पहले 19 मार्च की सुबह से ही लेकर रात भर तक दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कार्रवाई चली थी। यहां तक कि 20 मार्च के तड़के 2:30 पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर मुहर लगा दी थी। आपको बता दें कि पढ़े लिखे शबनम एक 8वीं फेल सलीम से प्यार करती थी। जाहिर है कि माता पिता के सक्षम शादी का प्रस्ताव रखा तो रिश्ते के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद प्रेम में अंधी शबनम ने ऐसे खूनी खेल खेला कि इतिहास बन गया। 14 अप्रैल 2008 की रात को अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव बावनखेरी में खूनी खेल हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक शबनम ने प्रेमी सलीम से साजिश के तहत कहा कि उसे नशे की गोलियां लाकर दें जिससे सभी को बेहोश कर उन्हें मारा जा सके। सलीम ने 10 गोलियां मेडिकल से लाकर शबनम को दी। सलीम ने ऐसा ही किया, फिर शबनम ने गोलियां दूध में मिलाकर पूरे घर को दे दिया, लेकिन 11 साल के भतीजे को दूध नहीं दिया। नशे वाले दूध पीकर जब सब बेहोश हो गए तो सलीम और शबनम ने कुल्हाड़ी से सबका गला काट दिया। नजदीक के ट्यूबवेल पर खून से सने हाथ पैर धोने के बाद जब शबनम ने देखा उसका भतीजा जीवित रह गया तो 11 साल के भतीजे का गला दबाकर हत्या कर दी। निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी शबनम सलीम की फांसी पर मुहर लगा चुकी है। तो आपको बता दें कि ऐसी कातिलों को सजा तो मिलनी ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मुहर लगा दी है और उसे सजा मिलेगी, इसके लिए डेथ वारंट भी जारी कर दिया गया है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।